उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आहट को देखते हुए भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भाजपा कोर कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। सभी 9 सीटों के लिए कुल 27 नामों के पैनल को फाइनल किया गया है। पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा, अंतिम मुहर वहीं से लगेगी, जबकि मीरापुर सीट रालोद के खाते में देने का भी फैसला किया गया है। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को सीट देने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की मौजूदगी में 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली। इसमें टिकट के सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नाम के अलावा बैठक में उपचुनाव में प्रचार अभियान व अन्य तैयारियों एवं सदस्यता अभियान के साथ ही सरकार और संगठन के बीच समन्वय को और बेहतर करने की भी चर्चा हुई। तय किया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच बैठक में कहा गया है कि अब कभी भी उपचुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है, इसलिए पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान को तेज करेगी और सभी तैयारियों को अंजाम देगी। साथ ही चुनाव में पार्टी के नेताओं के दौरों के कार्यक्रम और सीटवार जमीनी फीडबैक जुटाकर रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा हुई है। बैठक में भाजपा संगठन की ओर से विभिन्न सरकारी निगम, आयोग और बोर्ड में पदाधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन को नाम तय कर भेजने को कहा है। बैठक में राष्ट्रीय लोक दल के कोटे वाली मीरापुर सीट की भी चर्चा हुई है, लेकिन संजय निषाद की दावेदारी वाली कटेहरी और मंझवा सीट को फिलहाल भाजपा के कोटे में मानते हुए दावेदारों के नाम का पैनल तैयार किया गया है। ऐसे में फिलहाल निषाद को सीट देने के सवाल पर संशय है। दरअसल 2022 के चुनाव में मंझवा और कटेहरी सीट पर निषाद पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ मंझवा ही जीत पाई थी। बैठक में मीरापुर को छोड़कर मिल्कीपुर, कटेहरी, मंझवा, फूलपुर, खैर, कुंद्रकी, सीसामऊ, करहल और गाजियाबाद सीटों के लिए दावेदारों के नामों पर चर्चा हुई है। भाजपा के जिला कमेटियों ने 10 नामों की लिस्ट भेजी थी। बैठक में इनमें से एक एक सीट के लिए 3-3 नाम तय किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक भी नाम मुस्लिम नेता का नहीं है। तय किया गया है कि इसी पैनल को दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली में जिस नाम पर मुहर लगेगी उसको उम्मीदवार माना जाएगा।